और पूर्णिया जिला से मैं काम कर रही हूँ। मैं परिवार नियोजन के विषय में घर घर में जा रही हूँ, बहुत जगह से जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दलित में जाती हूँ, मुसलमान के अथी में जाती हूँ। बहुत सा हमको जो है वहाँ पर जो है ना जानकारी नहीं रहने के अभाव में हम देखा जाता है। अगर ये जानकारी के अभाव में हम देखते हैं कि एक साल का किसी का बाबू है, दूसरे साल में दूसरा हो जाता है, क्योंकि अंतराल के विषय में उनको जानकारी ही नहीं है। जब यही सब जो है उसके जीवन में बहुत सारा दुख को पैदा करती है, तो हम जाके इस विषय में बताते हैं कि यह अंतराल भी रखना है और छोटा परिवार भी रखना है। अगर छोटा परिवार रखने से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, आपका बच्चे का आप भविष्य बना सकते हैं। अगर हर एक इंसान, अगर हम कमाते खाते भी हैं, अगर दो बच्चा हमारे बीच में है, उस बच्चे को हम अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा शिक्षा ही एक मुकाम तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक जरिया होता है। हमको छोटा परिवार और सुखी परिवार रहना है, तो इसका क्या यूज करना चाहिए, तो हमको दीदी बताया। हम गोली खाते थे, हमको कोई भी तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होता गोली खाने से। हमको दो गो बाबू हो चुका है, हम छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसलिए हम बंध्याकरण कराए। इनका समाज में अच्छा पकड़ है, इनके द्वारा सबसे पहले हम लोग इनको चैंपियन में चुने, और चैंपियन में चुनने के साथ इनका समाज में महिलाओं में खास करके ज़्यादा पकड़ है। तो पंचायत प्रतिनिधि के समूह में ये जागरूक की है, जिस तरह की कंडोम का उपयोग, कॉपर्टी का उपयोग और पुरुष नसबंदी पर खास करके जोर, उस पर जो भिन्न भिन्न भ्रांतियाँ हैं समाज में, अशिक्षित समाज से दूर करने का प्रयास किया है, जिससे लगभग 1000 महिला में जागरूकता आई है।